लॉन्च हो चुके हैं। बेहतर इंटरनल ट्रैकिंग सिस्टम से लैस वो ओमनीट्रिक्स को ढूंढ कर उसे हासिल कर पाएंगे। उन्हें वो मिल सकता है, पर उसे हासिल करना आसान नहीं होगा। जिस किसी के पास भी ओमनीट्रिक्स है, वो अब भी एक बेहद खतरनाक और बहुत अकलमंद दुश्मन है। मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत खूब डेनिसन। अच्छा डिजाइन है बेन। बिल्कुल, सबका ध्यान खींचता है। नहीं, ऐसे क्या देख रहे हो? वेन, बेन, पीछे हटो। ग्रैंडपा को वहां से निकालना होगा। तुम ठीक हो? क्या इसका मतलब हाथ है? बेन! तुम सब औरतें हो, मैं औरतों को चोट नहीं पहुंचा सकता। ओह, कितनी अच्छी बात है ना? पीटो उसे। हे, ये मेरी लूट है, इसे तुम ही रखो। बेन, शायद वो ड्रोन्स वॉच के पीछे पड़े हैं। तुम्हें भी सजा मिलेगी पुट्ठे। ग्रैंडपा! अच्छी कोशिश थी। इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। मैं इमरजेंसी नंबर। बेन, अभी टाइम नहीं है, हॉस्पिटल पास नहीं है। कौन थे ये नमूने? मैं अपनी सजा काट कर आई हूँ, अब सजा की बारी तुम्हारी है। अब तो धमाका होगा। तुम्हारे दादाजी को जबरदस्त झटका लगा है, ये और कई घंटों तक बेहोश रहेंगे। बहुत सी गहरी चोटें आई, यहाँ टांग भी टूटी है। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? इनकी उम्र को देखते हुए ये काफी मजबूत हैं। थोड़ा आराम करने के बाद ये ठीक हो जाएंगे। इनके एडमिशन फॉर्म में लिखा है इन्हें कार बम्पर से चोट लगी है। क्या किसी ने इन पर गाड़ी चला दी थी? एक्चुअली जब उस रोबोट ड्रोन ने गाड़ी को उड़ा दिया तब बम्पर हवा में उड़कर आया। ऐसे हालात में इस तरह की कल्पनाओं से काफी राहत मिलती है मुन्ने। वो ड्रोन तबाह हो गए। तो और भेजो, शायद इसकी जरूरत ना पड़े। लगता है वो ड्रोन्स किसी तरह मर्ज हो गए हैं। मुझे एक कंबाइंड सिग्नल मिल रहा है और वो सिग्नल आगे बढ़ रहा है। शायद वहाँ दो से बना एक है। ओ, बचाओ, बचाओ, क्या? नहीं, अब ये बेकार है। तुम जो भी हो, मेरी बात सुनो।
कौन हो तुम और तुम मेरे दिमाग में कैसे आए? सवाल नहीं, तुम यहाँ मेरा काम करने के लिए हो। भूल जाओ, मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ। अब तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, और जब तक तुम उसे यूज करने का तरीका नहीं ढूंढती वो बेकार होगी। मेरा काम कर दो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा, नाकाम हुई तो तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। तो तुम चाहते क्या हो? सिर्फ एक चीज, मेरी एक बहुत ही कीमती टेक्नोलॉजी वाली चीज खो गई है, और लकीली तुम उसे ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड हो। बेन, तुमने डॉक्टर की बात सुनी ना? ये ठीक हो जाएंगे, ये हमारे ग्रैंडपा हैं। मुझे फिक्र हो रही है। मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र है कि एक लड़की ने फोरआर्म्स की पिटाई की। सुनो, हीरोज लड़कियों को नहीं मारते। अच्छा हुआ बताया। आओ, पर तुमने तो कहा था। इस वक्त मैं हीरो बनने के मूड में नहीं हूँ। वैसे तो मुझे मारने के बाद तुम्हें हमेशा अच्छा लगता है। अगर मैं अपग्रेड बनकर उन मशीनों में घुस गया जो उन पर लगी है, तो शायद मैं उन्हें जल्दी से ठीक कर पाऊँ। बेन, उससे फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं गोस्ट फ्रीक बन जाऊँ तो मैं उनके मन के अंदर जा सकूँगा। पता नहीं, मैं बस उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो तुम यहाँ हो? शांत हो जाओ बेन, सब ठीक हो जाएगा। वो ऑमनीट्रिक्स मुझे दो। तुम्हें ये चाहिए तो आकर ले लो। सीढ़ियां। बेन, ये तो वही कार डकैती वाली लड़की है। लगता है जैसे ही मर्ज हो गई है उन रोबोट ड्रोन्स के साथ। मुझे लगता है ये वक्त हीरो बनने के लिए बिल्कुल सही है। हम ये आसान तरीके से कर सकते हैं या मुश्किल तरीके से? वक्त है फोर आर्म्स बनने का। ओह ग्रेट, मुझे वो मसल्स चाहिए थे और मिली ये एलियन मोमबत्ती। अगर कैंची से कागज कर सकता है तो आग से पत्थर भी पिघल सकता है ना?